आज मैं आपके लिए ईरानी समोसा, जिसे हम पट्टी समोसा भी कहते हैं, ये भी मेरे चैनल पे बहुत बार रिक्वेस्ट पे आई थी, इसके लिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसका मैंने फुल वीडियो बनाया है, जिसमें हम सीखेंगे इसकी शीट बनाना, इसकी स्टफिंग बनाना और इसे फोल्डिंग कैसे करते हैं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समोसे की पट्टी बनानी है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। इसमें डालेंगे हम 1 छोटी कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ज़रूर इसमें इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी जो शीट है वो काफ़ी सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। अब इसमें डालेंगे हम नमक और इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर इस शीट को बनाने के लिए हमें ना तो तेल का इस्तेमाल करना है और ना ही घी का, बस हमें इन ड्राई चीज़ों के अंदर पानी ऐड करना है और इसका आटा लगाना है। तो आपको आटा बिल्कुल हम जैसे चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट आटा न लगाएं वरना आपको इसे बेलने में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अब देखिए हमने इसका आटा लगा लिया है और अब हम इसे ढककर रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए 10 मिनट के बाद देखिए आटा अच्छे से सेट हो चुका है, इसे हम और थोड़ा सा मसल लेते हैं और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल 3 1 साइज़ के पेड़े लिए हैं और इसे हमें बेलना है लगभग पूरी के आकार का। आज मैं आपको एक साथ 3 इसकी शीट बनाने का तरीका दिखा रही हूँ, मतलब आप एक ही बार में 3 शीट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखी 3 1 साइज़ के ये छोटी छोटी पूरियाँ बना ली है और अब हम इनके ऊपर तेल और आटा लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसे अच्छे से लगाएंगे तो आपकी जो शीट है वो बहुत आसानी से अलग होंगी, क्योंकि अब हमें इन 3 शीट को एक साथ जोड़कर इन्हें बेलना है। तो देखिए हम दोनों शीट पर तेल और आटा अच्छे से लगा रहे हैं और जहाँ पर हमने तेल और आटा लगाया है उन दोनों को हमें आपस में चिपका देना है। तो देखिए ये दो हमने एक साथ इसे जोड़ लिया है, मीन्स चिपका दिया है, और इसके ऊपर भी हमें तेल और आटा अच्छे से लगाना है। तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो हमारी तीसरी वाली पूरी है उसके ऊपर भी हम तेल और आटा लगाएंगे और इसे भी हमें ये जो 2 पूरियां हैं इसके ऊपर जॉइन कर देना है, इसे चिपका देना है और ये एक साथ 3 पूरियां हम एक साथ बेलेंगे और बेलने के बाद फिर इसे हम सेक कर तीनों को अलग करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा पतली और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होंगी और इसकी जो शीट है, जो समोसे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखिए हमने तीनों एक साथ इसे जोड़ लिया है और अब हम इन्हें बेलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बेल कर दिखा रही हूँ। पहले आपको इसे अच्छे से सेट कर लेना है और हल्के हल्के हाथों से बेलन पहले चलाना है, वरना ये तीनों पूरियाँ अलग हो जाएंगी। तो देखिए जैसे ये थोड़ा सा बेल जाएंगी, मींस रोल होंगे, उसके बाद आपको साइड के एरिया पर बेलन चलाते हुए इसे बेलना है, ताकि ये अच्छे तरीके से राउंड राउंड घूमकर, मींस आपकी जो रोटी है वो अच्छे तरीके से बड़ी होगी। देखिए अगर आप साइड में अच्छे से बेलते हुए जाएंगे तो आपकी शीट बहुत ही अच्छी तरीके से बेल कर तैयार होगी, वरना ये बीच में पतली और साइड में ज़्यादा मोटी बन जाएगी। तो आपको साइड में ही बेलन चलाना है और इस रोटी को पूरा बेलकर पतला बेलना है। तो अगर आप 3 रोटी एक साथ बेल रहे हैं तो आपको इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और इस तरीके से हमने एक बड़ी रोटी बना ली है। अब देखिए यहाँ पर हमने तवे को गर्म कर लिया है। तवा आपका काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए और इस गर्म तवे पर आपको लगभग 5-5 सेकेंड के लिए इसे अलट पलट करना है। तो टोटल आपको 15 सेकेंड में ही आपको ये पूरी रोटी सेक कर तैयार करनी है। इससे ज़्यादा देर तक आप तवे पर अगर रोटी रखेंगे तो ये ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी और ज़्यादा क्रिस्पी होने लगेगी, जिससे इसे फोल्ड करने में बहुत ही दिक्कतें होंगी। तो देखिए हमने इसे निकाल लिया है, बस 15 सेकेंड ही हमने इसे रखा था और देखिए अब हम इसे अलग करेंगे। तो देखिए पहली रोटी जो है बहुत आसानी से अलग हो चुकी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर तेल और आटा अच्छे से लगाया था। अब देखिए दूसरी रोटी भी हम इस पर से निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं रोटी ना तो फटी है और ना ही कहीं से भी ये टूटी है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल आई है और ये कितनी पतली बनी है मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। तो देखिए ये तीनों रोटी हमने पूरी अच्छे तरीके से बना ली है।
और देखिए हाथों की उंगलियां जो है वो सारी अच्छे से दिख रही है। ये इतनी पतली रोटी बन चुकी है और ये कितनी सॉफ्ट है ये भी आप देख पा रहे हैं। अब मैं आपको एक साथ दो रोटी बनाने का मीन्स दो शीट एक साथ बनाने का तरीका भी दिखा रही हूँ। अगर आपको तीन एक साथ बनाने में दिक्कतें आए तो आप इस तरीके से दो शीट भी एक साथ बना सकते हैं। तो आपको वही प्रोसेस करना है, दो छोटी पूरी बेल लेनी है, इसके ऊपर तेल और आटा अच्छे से लगाना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और इसके ऊपर हमें सूखा आटा लगाकर इसकी रोटी बनानी है। देखिए आपको इसकी पतली रोटी बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी पतली आप रोटी बनाएंगे आपके समोसे उतने ही करारे और अच्छे बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैं रोटी बेलते वक्त साइड पे बेलन चला रही हूँ और इसी तरीके से आपको लगभग 5 से 6 शीट पहले तैयार कर लेनी है और इसे सेकना है। बेलने के लिए टाइम लगता है लेकिन सेकने के लिए इसे लगभग 10 से 15 सेकेंड ही लगते हैं। तो आपको शीट पहले से ही बनाकर रख लेनी है और उसके बाद इसे सेकना है। तो देखिए हमने ये दूसरी वाली रोटी भी सेक ली है और इसे थोड़ा सा हमें हाथों पर टैप करना है ताकि ये ईजीली खुल जाए। तो देखिए ये दूसरी वाली रोटी भी बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है, मतलब ये समोसे की शीट है। अब देखिए हम यहाँ पर इसे ढक कर रखेंगे क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग बनानी है और इसे ढक कर ही रखना है, वरना आपकी जो पट्टियाँ हैं जो समोसे की शीट है वो ड्राई होने लगेंगी। अगर ये एक बार ड्राई हो जाएंगी तो ये फोल्ड नहीं होंगी, ये टूटने लगेंगी। तो यहाँ पर इसे ढक कर रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी शीट्स बना ली है और इसे हम ढक कर रखेंगे, तब तक इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने डाला है लगभग 400 ग्राम कीमा, ये मटन कीमा है, और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा पानी ताकि ये अच्छे तरीके से पके। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे पकने देना है ताकि ये जो मटन है मीन्स कीमा है वो अच्छे तरीके से पके। तो यहाँ हमें इसे ढककर पकाना है जब तक कि ये कीमा ड्राई नहीं हो जाता और अच्छे से गल नहीं जाता, तब तक हम इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए अब जो कीमा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका है और ये ड्राई भी हो चुका है। हम इसे पहले, मैं हमेशा ही इसे पहले कुक करती हूँ मीन्स पकाती हूँ ताकि जो कीमे के अंदर का जो स्मेल है वो हट जाए। अब इसके लिए हम मसाला भी रेडी करेंगे जिसमें मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर इसे हमने पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल, इसमें डालेंगे हम जीरा, जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे और जैसे जीरा तड़क जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ये ग्राइंड किया हुआ हरा मसाला जो हमने फ्रेश मसाला अभी ग्राइंड किया है। अब इस मसाले को हमें अच्छे से ड्राई होने तक भूनना है। इसमें हमें बाकी कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाला है क्योंकि हमने कीमे में पहले ही सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं ताकि कीमे में से जो भी स्मेल है वो हट जाए और कीमा अच्छा टेस्टी लगे। तो देखिए अब ये अच्छे से भून चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये पका हुआ कीमा। देखिए आप सारी चीज़ें एक साथ भी कीमे को डालकर पका सकते हैं लेकिन मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, इसके लिए मैं कीमे को पहले ही बॉईल कर लेती हूँ कुछ मसालों के साथ, मीन्स थोड़े से जो ड्राई मसाले हमने डाले थे उसके साथ। अब यहाँ पर इसके खटाई के लिए डालेंगे हम नींबू का रस, तो मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस डाला है और साथ ही डालेंगे 3 बड़ी प्याज। प्याज को हमने स्लाइस कट किया है, फाइन चॉप नहीं किया है क्योंकि प्याज का जो करारा टेस्ट है, जो प्याज की जो खुशबू है, इस समोसे की एक खास बात है। तो यहाँ पर प्याज को आपको शुरू में डालकर नहीं पकाना है, इसे कच्चा ही डालना है और इसे थोड़ी देर आपको कीमे के साथ भूनना है ताकि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। कई लोग इसे कच्चे प्याज के साथ भी बनाते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनती हूँ। तो देखिए प्याज अब सॉफ्ट होने लगी है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे हमारे टेस्ट अकॉर्डिंग। और अब देखिए ये जो हमारा मसाला है रेडी हो चुका है और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है।
तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और तब तक शीट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शीट को आपको रोल करना है इस तरीके से, और इसके साइड के जो किनारे हैं उसे काट लेना है ताकि इसकी एक अच्छी बिल्कुल आपकी शीट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हम इसके साइड के एजेस हटा देंगे और इसे तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ये समोसे के पट्टी की तरह दिखने लगेगी। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बराबर तीन इक्वल साइज में डिवाइड कर दिया है, और अब देखिए ये हमारी होममेड समोसा पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर बनी है। तो चलिए अब मैं आपको इसे स्टफिंग या फिर इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक समोसा पट्टी ले ली है। अब देखिए हमें इसे बिल्कुल इस तरीके से इसका ट्रायंगल शेप आने तक फोल्ड करना है, और फिर से हमें दोबारा ट्रायंगल शेप आने तक फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रायंगल, बिल्कुल इक्वल साइज़ का ये बन चुका है। अब देखिए इसे हाथों में इस तरीके से पकड़कर इसके अंदर हमें स्टफिंग डालनी है। बहुत आसान है इसे बनाना, इसे फोल्ड करना, बस आपको इसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो देखिए हमने इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब ये स्टफिंग डाल दी है, और अब हमें इसे फिर से ट्रायंगल शेप आने तक इसे फोल्ड करते जाना है। तो देखिए जैसे आप इसे रखेंगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि आपको इसे किस तरीके से फोल्ड करना है, और जो खुली जगह है उस पर थोड़ा सा आपको कॉर्नफ्लोर की स्लरी लगाकर इसे चिपका देना है। अब मैंने अपने चैनल पे बहुत बार आपको कॉर्नफ्लोर की स्लरी कैसे बनानी है वो बताई है। तो देखिए हमने इसे चिपका दिया है, और इसी तरीके से आपको सारे समोसे रेडी कर लेने हैं। बहुत आसान तरीके से देखिए हमने ये समोसे बना लिए हैं, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है, और इसे एक बैच में जितने आए उतने समोसे डालकर आपको इसे करारा होने तक फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये समोसे लगते हैं। इसे हम ईरानी समोसे भी कहते हैं, और कई लोग इसे पट्टी समोसा भी कहते हैं। तो देखिए जैसे ये करारे करारे होने लगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसे फ्राई होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आपको इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से करारे करारे फ्राई हो। तो आज ये सारे समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं, और आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ये नई तरीके के समोसे आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करें।